Second number.
यही कि हम लोग नहीं है, उपाधार विधि से केवल सब समूह इंटू 56 का कर सकते हैं, हम किसी का भी कर सकते हैं, हम 22 इंटू 23 का भी कर सकते हैं, हम 43 इंटू 45 का भी कर सकते हैं, हम 53 इंटू 55 का भी कर सकते हैं, हम 72 इंटू 75 का भी कर सकते हैं, हम 82 इंटू 85 का भी कर सकते हैं। मतलब सूत्र लिखिए कम से ये जो सब चीज है 211 इंटू 215 का भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उपाधार विधि से ज्ञात करते हैं। जो संख्या आधार के नजदीक है उसको आधार विधि से करते हैं, जो संख्या आधार से दूर है उसको उपाधार विधि से करते हैं। तो ये उपाधार विधि से गुणा करें, सेम वही बात है। निखिल अंक से जब उपाधार विधि से भी गुणा करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें आधार मानते हैं, यहाँ हमारे पास आधार इसमें भी 10 है, क्योंकि ये आधार से बहुत ज्यादा दूरी पर है इसलिए हम इसमें उपाधार अंक मानते हैं। अंक हो जाएगा 5, क्योंकि 10 को 5 से गुणा करते तो 50 आते हैं और ये जो नंबर है 50 के नजदीक, इसलिए इसको उपाधार विधि से ज्ञात करते हैं। उपाधार अंक मानने के बाद हम क्या करते हैं, आधार हमारे पास 10 है, उपाधार अंक आपके पास 5, हम विचलन ज्ञात करते हैं। विचलन ज्ञात करते हैं तो संख्या माइनस 5 गुणा 10 तो 50, ये प्लस का 4 और प्लस 54 में से जो उपाधार अंक है उसको आधार अंक से मल्टीप्लाई किया तो संख्या में से फर्स्ट संख्या में से घटाया तो प्लस 4 आता है, सेकंड नंबर में से घटाया तो प्लस 4। इसके बाद इधर लिखते हैं, यहाँ हम संख्या इधर लिखते हैं विचलन, संख्या हमारे पास फर्स्ट नंबर 54 है, सेकंड नंबर आपका 35 है, पहली जो संख्या इसके सामने प्लस का 4, दूसरी जो संख्या उसके सामने प्लस का 4, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन अथवा दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन, यदि पॉजिटिव है तो जोड़ देते हैं, विचलन नेगेटिव है तो इसमें से घटा देते हैं। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन या दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या का विचलन, क्योंकि हमें उपाधार विधि से ज्ञात करना है इसलिए यहाँ तक का जो प्रोसेस है पहले आधार मानेंगे, ये इसमें संख्या आधार के नजदीक नहीं है इसलिए उपाधार अंक मानते हैं यहाँ 5, क्योंकि 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 आता है, जो नंबर दिए गए हैं ये 50 के नजदीक, इसलिए उपाधार अंक हो जाएगा आपके पास 5। विचलन ज्ञात करते हैं तो संख्या में से हम उपाधार अंक को आधार अंक के साथ मल्टीप्लाई करके और संख्या में से घटा देते हैं तो हमारे पास विचलन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, उपाधार अंक लेना है, वो उपाधार अंक कितना है आपका 5, पहली संख्या आपकी है 54 प्लस दूसरी संख्या 35, उपाधार अंक इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, वो भी विचलन और गुणा पर इन 4 गुणों के बीच। उपाधार अंक पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलन और गुणा 54 में 6 जो होते हैं हमारे पास होते हैं 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू में लिख देंगे 60 और भी 624, 530 यहाँ हो जाएंगे 300, यहाँ हो जाएंगे कितने 300 और ये हो जाएगा 24। अक्सर विद्यार्थी गलती करके आते हैं यहाँ 300 को भी ऐसे उतार देते हैं, 24 को भी ऐसे उतारते हैं, क्योंकि हमारा जो आधार अंक है वो 10 है इसलिए हम एक संख्या लिखेंगे एक साथ, तो हमारे पास यहाँ एक एक संख्या लिखते हैं, जैसे ये 4 लिख दिया सबसे पहले, फिर 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा और 3 का, तो हमारे पास 24 अंक हो गए। इस तरीके से हम सूत्र लिखे वक्त आधार और उपाधार विधि से गुणा करते हैं। थैंक यू सो मच।